सब्सक्राइब कीजिए पियरलेस किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो मेरे फूडी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे बच्चों की फेवरेट चीज़ी मैगी। ये वन पैन में आप बना सकते हो दोस्तों और बहुत ही जल्दी ये बन जाती है। 10 मिनट भी नहीं लगती है, इतनी जल्दी बन जाती है। मैगी तो 2 मिनट में बनती नहीं है, ये हम सभी को पता है, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा टेस्टी तरीके से खाया जाए, है ना। तो मैंने यहाँ पे 5 पैकेट मैगी ली है। ये छोटे जो 5 रुपए वाली पैकेट आती है, वो पैकेट वाली मैंने यहाँ पे 5 ली है। अब इसके जो टेस्ट मेकर होती है उसको हम सबसे पहले काट के साइड में करेंगे। एक ही साथ में बना के रखेंगे ना तो हमें जल्दी होगी, आसानी होगी। एक कटोरी में ये सारे मसाले आप अलग से रख लेना। मैगी का जो असली वाला टेस्ट आता है वो तो इस टेस्ट मेकर से ही आती है, तो ये हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, इसको भी फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे, एक्स्ट्रा भी मसाले हम डालेंगे। तो इस तरीके से ना मैगी को आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना, इससे ना आपको ये मिक्स करने में आसानी होगी, पलटने में आसानी होगी। लेकिन अगर आपको लंबे नूडल्स पसंद है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप कम तोड़ना, ज़्यादा मत तोड़ना। तो बस ये बिल्कुल तैयार है। अब हम एक पैन में ले लेंगे बटर, बटर से ये ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो 2-3 बड़े चम्मच इतना बटर ले लेना, बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेना। और बटर को जब आप मेल्ट करना, फ्लेम को रखना बिल्कुल लो पे, नहीं तो बटर जल सकते हैं। अच्छे से हम चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। 1 से 1.5 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे बारीक कटी हुई लहसुन डाली है। और बटर में जब लहसुन जाती है ना, बहुत अच्छी खुशबू आती है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो इसको हम हल्का सा कलर होने तक फ्राई कर लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। फिर डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर, बीज मत निकालना, बीज के समय ही डालना। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, बच्चों के लिए बना रहे हो तो लाल मिर्च को आप स्किप भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच इतना लाल मिर्च का पाउडर डाला है। आप ना इसके बदले में थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो। अच्छे से हम इसको कुक कर लेंगे, लेकिन लो फ्लेम पे। अच्छे से मतलब 2 से 3 मिनट से ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप इसमें यह टेस्ट मेकर को डाल देना। टेस्ट मेकर के साथ इसको आप कुक करना सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट, उससे ज़्यादा मत करना। ये जो सारे मसाले हैं ये पहले से रोस्टेड होते हैं, तो इसको ज़्यादा फ्राई करने से ना इसका जो असली फ्लेवर होता है वो चली जाती है। तो 1 मिनट से ज़्यादा इसको रोस्ट मत करना। सीधा सीधा आप इसमें पानी डाल देना। पानी थोड़ा सा गुनगुना होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं, नॉर्मल पानी भी आप डाल सकते हो। 2 ग्लास फुल मैंने यहाँ पे पानी डाला है। अच्छे से कर ली है मिक्स। और उसके बाद इसमें आप नमक बिल्कुल भी मत डालना, क्योंकि हम इसमें सॉस डालने वाले हैं। टेस्ट मेकर में भी नमक होता है, तो नमक अलग से मत डालना। जैसे इसमें बॉयल आ जाए आप इसमें मैगी डाल देना, और मैगी के साथ आप इसको अच्छे से कर लेना मिक्स। फ्लेम को आप हाई पे ही रखना, और अगर आपको ज़्यादा सूखे पसंद हो तो आप लो पे कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही आप रहने दो, ठीक है। तो मैं जैसे बना रही हूँ ना, ऐसे ज़्यादा अच्छे बनेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, फिर मुझे आप रिज़ल्ट बताना। वैसे भी हम तो आज चीज़ी मैगी बना रहे हैं, है ना, तो चीज़ी मैगी तो वैसे भी थोड़े से चिपचिपे ही होते हैं, ज़्यादा खिले खिले तो बनते नहीं हैं। तो इसके लिए ना इसको ज़्यादा खिला खिला बनाने की कोशिश भी आप मत करना। इसमें आप डाल देना थोड़ी सी टमाटो केचप, इसे टेस्ट भी मिलेगा और थोड़ा सा फ्लेवर भी आएगा। अच्छे से कर लेना मिक्स, और फ्लेम को कर देना बिल्कुल लो पे, नहीं तो एक्स्ट्रा जो पानी है ना वो बिल्कुल सूख जाएगा। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दी है, ऊपर से बिल्कुल फ्लैट करना है। फिर आप इसके ऊपर से चीज़ डाल देना। चीज़ कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे तो वो मोज़रेला हो या फिर कोई भी चीज़ हो, बस तोड़ के इसमें डालना। मैंने यहाँ पे क्यूब जो चीज़ आती है ना उसको इस तरीके से ग्रेट करके डाला है, ये मोज़रेला नहीं है। चलिए थोड़ा सा और टेस्टी बनाते हैं। इसके ऊपर से थोड़ी सी मैं डाली हूँ चिली फ्लेक्स। बच्चों के लिए चिली फ्लेक्स मत डालना, इसके बिना ही बनाना। और थोड़ी सी ओरिगैनो अगर घर पे हो तो डाल देना, मेरे घर में थे इसलिए मैंने डाल दी है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। थोड़ी सी आप धनिया पत्ता भी इसके ऊपर से डाल सकते हो, वो भी अच्छा फ्लेवर देता है। तो अच्छे से स्प्रेड कर लेने के बाद इसको ढक के छोड़ना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। तब तक ढक के रखना है जब तक इसके ऊपर का जो चीज़ है वो थोड़े से पिघल नहीं जाते हैं, मतलब कि 2 से 3 मिनट या फिर 3 से 4 मिनट। यहाँ पे चीज़ बिल्कुल अच्छे से पिघल चुकी है, ये बिल्कुल तैयार है दोस्तों, सीधा पैन में से ही खा सकते हो। ये
बहुत ज़्यादा ही यम्मी बने हैं। और आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, कितनी जल्दी भी बन गई। तो इसको एक बार आप घर पे ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वाले चीज़ी मैगी कैसी बनी है। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, ताकि इस तरह के वीडियोस में आपके साथ और भी शेयर कर सकूं। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।